भवानीगढ़ में आज सेहत विभाग की टीम ने तंदुरुस्त पंजाब मिशन के तहत पूरे पंजाब में खाने की वस्तुएं खासतौर पर फलों की चेकिंग के दौरान सब्जी मंडी भवानीगढ़ में भारी मात्रा में केमिकल से पके हुए आम फिकवा दिए, जिनको पशुओं को खिला दिया गया। जहां फल व्यापारी इस बात को लेकर खफा थे कि उन्होंने केमिकल से कोई आम नहीं पकाया, बल्कि एक स्पेशल मसाला है जिसको आम के बीच रखा जाता है, उसे केमिकल कहा जा रहा है। अधिकारियों ने इनको केमिकल लगा हुआ बताया और लगभग 20 क्विंटल आम नष्ट करने की बजाय अनाज मंडी के पास कूड़े के पास खड़े पशुओं को खिला दिए। लोगों की सेहत के लिए हानिकारक केमिकल से पके आम को पशुओं को खिलाए जाने पर फोन पे अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, लोगों के बच्चे भी तो आम को खा लेते हैं। हैरानी की बात तो ये रही कि आमों को नष्ट करने की बजाय अधिकारियों ने इनको पशुओं को खिला दिया। जो आप अगर केमिकल से पके आम इंसान की ज़िंदगी के लिए खतरनाक हो सकते हैं, तो इन बेजुबान पशुओं पे की भी सेहत पर उनका खतरनाक असर क्यों नहीं होगा। वैसा जी हेल्थ विभाग वाले आए थे जी, अंबों में चेक कर रहे उन्होंने, कहने ये तो केमिकल तो है नहीं थी, पर कच्चा अंब जरूर थे, कहते ये कच्चे अंब नहीं इतने उसी बेचना गिरया, असं उन्होंने हदायत मनिया भी गिरया भी दिता उन्होंने कहे तो कोई नहीं जो हुक्म है ना जी कोई जहरीला केमिकल नहीं जी। बाकी उन्हें हदायत टोबे जी गिरा जी खताना में है जी कई रेट थे गऊं भी खा गई जी पिछे टोबे दूजा हुंदा सीगा मसाला हुणे पुड़ियां चल पईआं बणियां बणाईआं हुणे पुड़ियां ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸਿਰਫ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਲਾਈਏ ਪੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਮਸਾਲੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਸਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਸਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਦੂਜਾ ਪੱਥਰ ਵਾਲਾ ਮਸਾਲਾ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਗੈਸ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਾਰਨ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਹੋਮ ਬੋਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਐਂ ਸਮਝੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਆ ਕੁਛ ਟੋਬੇ ਛੱਡਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀਗਾ 10 ਗ੍ਰੇਡ ਤੇ ਜੀ 10 ਗ੍ਰੇਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ 2 ਕੁਇੰਟਲ ਅੰਬ ਹੋਊਗਾ ਜੀ 2 ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਊ20 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮਸਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਈਨਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਖਾਈਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਲਿਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਈਵਨ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।